तो आज के वीडियो यहाँ पर जरूर से लास्ट तक जरूर से देखिए, क्योंकि बहुत ही खास यहाँ पर एक सर्किट यहाँ पर बनाने वाले हैं जो कि सभी भाई को यहाँ पर इस्तेमाल करने में काम आएगा, यूज करने में काम आएगा। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें, अभी जो है ना, खास करके ये जो वीडियो है ना, आउट एरिया यानी कि गांव देहात के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसलिए जैसा कि मान लीजिए कि हम लोग का जो लैन है, डायरेक्ट जो बाहर का जो करंट आता है 220 वोल्ट, वो जो है ना एक झटका में आता है। जैसे कि एक बैग कभी आया कभी गया, कभी आया कभी गया, यानी कि कटता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि हम लोग का घर में जितना भी सामान है ना, तो वो खराब होने का चांस 100% यहाँ पर रहता है। जैसा कि अभी ज़्यादातर जैसा कि कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, फैन हो गया, तो उसमें क्या है ना कि आपको कितना घर में वोल्टेज आ रहा पता नहीं चलता है और झटका में आता है, वैसे में जो है कि जलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये जो सर्किट है ना, ये आपको झटका नहीं देने देगा, ये उसको कंट्रोल कर लेगा, और जब जैसे कि स्टेबल हो जाएगा आपका करंट, तब जो है कि इसको आउटपुट ऑटोमेटिक जो है कि दे देगा। तो इससे कि काफ़ी हद तक आपका जितना भी सामान है सब यहाँ पर सेफ रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी देखिए, इसको बनाने के लिए हम जो है कि यहाँ पर एक आईसी का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आईसी है, ये 555 आईसी है, और यहाँ पर जो है कि कुछ पिन हमने यहाँ पर कनेक्ट करके रखा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट किया है। एक जो पिन यहाँ पर हमने शॉर्ट किया है, या आईसी के बारे में पहले बता दें दोस्तों, यहाँ पर कट देख सकते हैं, ये कट से आपको जो है कि पिन यहाँ पर काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरीका से। और यहाँ पर 2 से 6 हमने जो है कि शॉर्ट कर दिया है, और 4 से 8 हमने शॉर्ट किया है। ये पीछे का साइड में शॉर्ट है, आप देख सकते हैं, ये देखिए 4 से 8 है, 2 से 6 है। तो इस तरीका से आपको शॉर्ट कर लेना है, ये शॉर्ट कर लिया ताकि ज़्यादा वक्त यहाँ पर ना लगे। तो अभी चलिए इसका कनेक्शन करना टोटल चीज़ शुरू करते हैं, और जो भी यहाँ पर कंप्यूटर यूज करेंगे सारा कुछ का डिस्प्ले में नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं कि भाई आपने इसका वैल्यू नहीं बताया, रजिस्टर का वैल्यू नहीं बताया, कैपेसिटर का वैल्यू नहीं बताया। तो सारा कुछ यहाँ पर जो है क्या नंबर शो करेंगे जैसे जैसे यहाँ पर लगाएंगे, ये चीज़ हमने क्लियर किया। और बहुत सारे कमेंट ये भी आता है कि डिस्प्ले में जो आपको हिंदी लिखा हुआ जो दिख रहा है, तो ये हिंदी लिखा हुआ कैसे मतलब हटाए, किस लिए लगाते हैं? तो ये एक यूट्यूब का ऑलरेडी यहाँ पर फीचर दिया गया है। तो आपको करना क्या है कि आपको देखिए राइट साइड में जो कि डबल सीसी का ऑप्शन दिख रहा है डिस्प्ले में, उस पर टच कीजिए, ये बंद हो जाएगा। बंद करना चाहते हैं तो बंद कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर कनेक्शन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे, ये देख सकते हैं, ये ट्रांजिस्टर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो इसके थ्रू हम जो है कि ऑपरेट करेंगे इस सर्किट को। तो इसको आपको उल्टा कर लेना है इस तरीका से, ठीक है, उल्टा कर लेना है। आप जिस तरीका से भी इसको सोल्ड कर सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम यहाँ पर यानी कि पिन नंबर 4 पे हमको इसको सोल्ड कर देना है। तो चलिए इसको पिन नंबर 4 पे यहाँ पर सोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, पिन नंबर 4 पे हमने इसको सोल्ड कर लिया है, और सिंपल तरीका यहाँ पर बताएंगे दोस्तों, ताकि यहाँ पर आपको समझ में आए। ये मेरे पास रिले है, तो रिले का एक कॉइल का पॉइंट हमको इस तरीका से यहाँ पर सोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरीका से रख लेते हैं और यहाँ पर इसको सोल्ड कर लेते हैं, तो जो भी रहेगा आपके सामने में अच्छे तरीका से यहाँ पर दिखे, इस कारण जो है कि इस तरीका से, चलिए इस तरीका से हमने कर लिया है। थोड़ा सा नीचे के साइड में कर देते हैं दोस्तों, ताकि यहाँ पर आपको अच्छे तरीका से जो है कि सर्किट दिखता रहे, देख सकते हैं। अभी क्या करना है, पिन नंबर 1 और 2 पर एक आपको यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्ट करना है, पिन नंबर 1 और 2 पर। तो जो पिन नंबर 1 रहेगा वहां पर यह नेगेटिव रहेगा, और जो पिन नंबर 2 रहेगा वहां पर जो है कि पॉजिटिव रहेगा। तो दोनों यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव आपको देख करके इसको इस तरीका से सोल्ड कर देना है। चलिए यहाँ पर इसको इस तरीका से सोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, पिन नंबर 1 पर और 2 पर देखिए नेगेटिव है और इस साइड में पॉजिटिव है। अभी आपको क्या करना है, पिन नंबर 3 पर एक यहाँ पर आपको रजिस्टर यहाँ पर सोल्ड करना है, जो कि रजिस्टर का वैल्यू होगा ये 1K। तो पिन नंबर 3 यानी कि पिन नंबर जो 3 होता है इसका आउटपुट का होता है, तो आपको आउटपुट वाले पॉइंट में सोल्ड कर लेना है। तो चलिए इसको हम सोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, पिन नंबर 3 में हमने इसको सोल्ड कर लिया है। तभी पिन नंबर 3 हमको कहाँ पे कनेक्ट करना है, तो इसको डायरेक्ट हम इस तरीका से कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये पिन नंबर 3 दोस्तों जाएगा, चलिए यहाँ पर इसका बेस का पॉइंट है, तो यहाँ पर हम इसको सोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, इसके बेस पे पॉइंट में हमने सोल्ड कर लिया है। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है कि आपको एक एलईडी लेना है, और ये एलईडी आपको कहाँ पे सोल्ड करना है, ताकि यहाँ पर करंट आए तो ये जो है कि इंडिकेट करे। तो करंट आने पर जो है कि इंडिकेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि आपको सप्लाई पे यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मेरा जो यहाँ पर सप्लाई आ रहा है वो इस जगह पे आ रहा है, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 8 पे आ रहा है, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 8 पर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक रजिस्टर का थ्रू करना है, ताकि जो है कि एलईडी यहाँ पर मतलब खराब ना हो। वैसे अगर आप चाहें तो एलईडी यूज कर भी सकते हैं, और अगर चाहें तो आप नहीं भी कर सकते हैं।
तो चलिए हम यहाँ पर एडी यूज करेंगे ताकि यहाँ पर जो है कि इसका यानी कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है ये चीज यहाँ पर पता चले। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सप्लाई हो गया और इसका नेगेटिव जो है कि डायरेक्ट हम इस पॉइंट में यहाँ पर सोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया है और ये इसका पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हमको यहाँ पर रजिस्टर के थ्रू रखना है, इसका रजिस्टर का पॉइंट जो है कि हमको यहाँ पर सोल्ड कर देना है। चलिए आपस में इसको इस तरीका से अटैच कर देना है। थोड़ा सोल्ड नहीं हुआ था, अच्छे तरीका से इसको कर लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरीका से हमने किया है। वैसे आप वीडियो बोलिए सिंपल तरीका से हम यहाँ पर बना रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पर अच्छे तरीके से ये सिर्फ सप्लाई इंडिकेट करेगा दोस्तों, जैसे कि आउटपुट देगा तो आपका आउटपुट उस तरीके से जाएगा और ये बहुत ही अच्छा एक बेस्ट सर्किट है। तो अभी चलिए आपको यहाँ पर करना क्या है, एक रजिस्टर यहाँ पर और लेना है और इस रजिस्टर को भी आपको इस जगह में सोल्ड कर देना है। यानी कि आप चाहे तो इसको पिन नंबर 8 पे भी सोल्ड कर सकते हैं और पिन नंबर 6 पर भी सोल्ड कर सकते हैं, बस इसको जम्पर आपको एक जगह ये होना चाहिए। तो चलिए हम पिन नंबर 6 पर ही इसको सोल्ड कर देते हैं और एक जम्पर हम इसको आपस में अटैच कर देंगे इस तरीका से, एक वायर लेकर के एक वायर हम यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं। वैसे डायरेक्ट यहाँ पर रजिस्टर ही सोल्ड हो जाएगा लेकिन मेरे इसका वायर जो है कि मेरा छोटा है तो इसके कारण जो है कि ये नहीं हो पा रहा है दोस्तों। तो आपका वायर यहाँ पर बड़ा रहेगा तो डायरेक्ट का जो है कि आप इसको सोल्ड कर दीजिएगा पिन नंबर 8 पे, यानी कि जो इसका पॉजिटिव है इसको यहाँ से सप्लाई दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है कि पिन नंबर 8 पे यहाँ पर सोल्ड हो चुका है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीका से। तो अभी ये जो है कि कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट है दोस्तों। अभी आपको करना क्या है, सिर्फ ये रिले का जो है कि नेगेटिव पॉइंट चाहिए। पॉजिटिव तो यहाँ से मिल चुका है ट्रांजिस्टर के थ्रू लेकिन नेगेटिव इसको नहीं मिला है, तो नेगेटिव हम ये एक वायर से यहाँ पर इसको नेगेटिव दे देंगे। तो नेगेटिव हमको कहाँ से देना है, तो नेगेटिव आपको पिन नंबर 1 से देना है। इसको नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और ये चला जाएगा डायरेक्ट पिन नंबर 1 पर जो कि कैपेसिटर का यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, इस जगह पे कैपेसिटर एलईडी सारा कुछ का यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है, तो यहीं पर आपको नेगेटिव ये कनेक्ट करना है। तो ये जो सर्किट आप जो देख रहे हैं ये सर्किट बिल्कुल भी कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमने सर्किट डायग्राम नहीं बनाया है। तो ये ट्रांजिस्टर सिर्फ आपको उल्टा करके लगाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। अभी जो इसका सप्लाई यानी कि इनपुट होगा दोस्तों, वो डीसी इनपुट यहाँ पे होगा एक नेगेटिव और इस जगह पे होगा इसका पॉजिटिव। ठीक है, और इसका जो मैन है जो हम लोग को रूम में जो जाएगा यहाँ पर सप्लाई, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ये एलईडी। तो आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम ऊपर के साइड में कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये एक होल्डर का यूज कर रहे हैं जो कि मेरे पास 9 वाट बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये 9 वाट बल्ब को हम यहाँ पर टेस्ट कराएंगे, जो कि यहाँ पर एक तार हमने बीच से कट करके रखा, आप देख सकते हैं ये इसका पावर प्लग है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो अभी चलिए इसका दोनों जो वायर है हमको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, यानी कि एक जो बाहर से जो न्यूट्रल आ रहा है दोस्तों, सॉरी जो फेस आ रहा है, तो उसको डायरेक्ट यहाँ पर जो है कि कॉमन कर देना है। तो चलिए यहाँ पर इसको कॉमन कर देते हैं और बाकी एक जो हमको यहाँ पर आउटपुट निकल जाएगा यही से। चलिए एक को हमने यहाँ पर कॉमन कर लिया और ये जो दूसरा वायर है मेरे पास इसको यहाँ पर कॉमन कर देना है, सॉरी इसको हमने एनो पर जोड़ दिया है। यानी कि आप देख सकते हैं इसका दोनों वायर यहाँ पर आया है, एक यहाँ पर चला गया कॉमन पे और एक यहाँ एनो पर आ गया है। ठीक है, तो अभी चलिए हम क्या करते हैं, ये जो इसका पावर प्लग है इसको लगाते हैं और ये रहा 9 वाट ऑलरेडी, यानी कि आउटपुट के लिए हम सिर्फ इसको यूज किए हैं, आप कुछ भी यहाँ पर चला सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें सप्लाई जो है कि हम दे दिए हैं। अभी हमको करना क्या है, यहाँ पर हमको डीसी चाहिए, तो डीसी जो है कि हम यहाँ पर दे रहे हैं दोस्तों अपने पावर सप्लाई से 12 वोल्ट। बाकी अगर आपको इस सर्किट को चलाने के लिए आपको डीसी या तो फिर कोई ट्रांसफार्मर का बिजली भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं और या तो फिर कोई अडेप्टर का यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहिए एक एलईडी का यहाँ पर 12 वोल्ट सर्किट यहाँ पर बनाने के लिए दोस्तों, यानी कि 12 वोल्ट सप्लाई देने के लिए, तो यहाँ पर देखिए एक वीडियो हम यहाँ पर लगा रहे हैं दोस्तों, ये डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। एक एलईडी का ड्राइवर से जो कि हमने यहाँ पर बनाया है 12 वोल्ट, तो उससे भी ये काम करेगा अच्छे तरीका से। तो चलिए ये मेरे पास यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एसी है, आप ध्यान से इसको देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि इसका नेगेटिव यहाँ पर आ रहा है, इसका नेगेटिव यहाँ पर हम दे देते हैं और ये रहा इसका पॉजिटिव। तो इसका पॉजिटिव तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इस जगह पे। तो अभी लाइट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कि जल चुका है, अभी ये यहाँ पर नहीं जल रहा है क्योंकि यह टाइमिंग यहाँ पर ले रहा है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी देखिए लाइट यहाँ पर जल चुका है। ठीक है, आप देखिए अच्छे तरीका से,
लाइट यहाँ पे जल चुका है, यानी कि माना जाए दोस्तों जैसे ही यानी कि लाइन जो है कि यहाँ पे ब्लिकिंग कर रहा है यानी कि करता है, ठीक है। जैसा कि देखिए यहाँ पर जो है कि लाइट इसी तरह का हुआ, अगर इस पर टच करेंगे तो ये देखिए सिर्फ यहाँ पर जो है कि ये लाल लाइट जल रहा है, रेड लाइट, लेकिन आउटपुट में जो कि करंट नहीं आ रहा है, यानी कि जितना भी हिलेगा डोलेगा दोस्तों यहाँ पर होगा क्या कि आपको जो कि आउटपुट में कोई भी करंट पास नहीं होने जाएगा जब तक करंट जो है कि स्टेबल ना हो जाए। अब इसको डायरेक्ट हम लगा के छोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ करंट शो कर गया कि आ गया है, अब थोड़ा सा स्टेबल रहेगा तो यहाँ पर जो है कि आउटपुट ऑटोमेटिक ये दे देगा, तो थोड़ा सा स्टेबल इसको दिखेगा तब, यानी कट जाएगा फिर भी ये ब्रेक करके रख, यानी कि करंट को रोक के रख देता है। अभी देखिए जैसे स्टेबल हुआ ये आउटपुट यह कंटिन्यू चालू कर देगा और ये अब कंटिन्यू चालू रहेगा इस तरीका से। यहाँ पर रेड लाइट जलता रहेगा, लाइट आप चाहे तो लगा भी सकते हो चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। तो चलिए छोटा सा वीडियो था जो कि इस तरीका से हमने बनाया, लेकिन ये सर्किट काफी यूजफुल है दोस्तों, काफी यहाँ पर काम में आने वाला है, हर एक चीज को यहाँ पर जो है कि आप बचा सकते हैं। तो छोटा सा वीडियो था, वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, और जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइए क्योंकि हर तरीके का वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।